केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। गुड्डा पुलिस अधीक्षक अनिमेश मेथानी को अवैध अग्नियास्त्र को खरीद बिक्री को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। उक्त टीम महागामा थाना अंतर्गत नया नगर मोड़ पहुंची, जहां कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध अग्नियास्त्र की खरीदी बिक्री करते हुए अवैध अग्नियास्त्र एवं गोली के साथ दो अभियुक्तों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के पास से एक देशी पिस्टल, दो मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस, 7.65 mm का बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कांड संख्या 191/24 दर्ज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उक्त आशय की जानकारी SDPO चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। छापेमारी टीम में महागामा पुलिस निरीक्षक उमेश महतो, थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह, हनवारा थाना प्रभारी राजन कुमार राव, पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार केतकिट्टा, रोमा कुमारी मनोज पाल समेत शस्त्र बल मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय गुड्डा के निर्देशानुसार अलग अलग थाना क्षेत्र में लगातार एंटी क्राइम चेकिंग और छापामारी की जा रही है, तो अभी आज महागामा थाना में नया नगर मोड़ के पास से दो व्यक्ति और एक पिस्टल और 9 कारतूस ऐसो बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त हनवारा थाना क्षेत्र से एक मिल्की मोड़ से टोटो से 72 बोतल शराब को जब्त किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा बुआरीजोर थाना अंतर्गत अवैध देसी शराब 100 लीटर बरामद किया गया। सर, ये जो पिस्टल ले जाया जा रहा था, क्या किसी घटना को अंजाम देने के लिए ले जाया जा रहा था? गुप्त सूचना मिली थी कि खरीद फरोख्त किया जा रहा है, वही गुप्त सूचना के आधार पर फिर हम लोग उस पर छापामारी की। तो खरीद फरोख्त महागामा के आदमी को बेचने के लिए ले जा रहे थे सर? नहीं, जो अभियुक्त हैं वो बेचने आए थे। अच्छा, आए थे महागामा जी। तो क्या किसी बड़े मतलब कि घटना को अंजाम देने का साजिश है सर पहले से? फिलहाल अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टि आया है अभी तक के अनुसंधान में वो है सो खरीद फरोख्त का। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।